है क्योंकि मेंटली स्ट्रांग सेटल्ड भी दिख रहे हैं, फोकस्ड भी दिख रहे हैं और साथ ही इन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स और आयाम भी तय किए हैं जब तक, और वर्ल्ड रैंकिंग्स में भी ऊपर चढ़ चुके हैं कई सारे हमारे जो शूटर्स हैं जो अलग अलग डिसिप्लिन में हैं, तो शूटिंग में उम्मीद की जा सकती है। लेकिन योगेश्वर भाई एक बात आपसे जानना चाहूंगा, इस अखाड़े में पूरे देश को उम्मीद है कि टोक्यो में भारतीय तिरंगा खूब लहराएगा, आपने भी आज ट्वीट किया है इस पर। देखिए हमारी पूरे भारतीय दल है बहुत अच्छा, मेरा मानना है कि पूरे सभी खिलाड़ी, चाहे कुश्ती की बात हो, बॉक्सिंग की बात हो, शूटिंग की बात हो, हॉकी की बात हो, इस सभी खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है पिछले टाइम में, एक दो साल से लगातार कंटिन्यू, उनकी जो परफॉर्मेंस है बड़ी अच्छी है, फॉर्म में है और हमें उम्मीद है कि हम लंदन ओलंपिक से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि लंदन में 6 मेडल मिले थे हमें, उसके बाद रियो में हमारा प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, बस कुल 2 मेडल आए हमारे, पर मेरा मानना है कि इस बार हमें लंदन से बेटर कर सकते हैं, हमारी टीम बहुत अच्छी है, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, शूटिंग है जी, शूटिंग है, हॉकी में भी काफी उम्मीद है हमें, इसलिए मेरा मानना है कि सब अच्छा रहा और भगवान का आशीर्वाद रहा, कृपा रही, तो हम लंदन से ज्यादा मेडल इस बार जीतेंगे। भगवान की कृपा तो चाहिए, लोगों की, जनता की दुआएं भी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत चाहिए। जो रंग लाई है पिछले 3 ओलंपिक्स में, साक्षी कुश्ती में भारत के मेडल आ रहे हैं, लेकिन इस बार आपको कितनी उम्मीद है? पिछले 3 बार से ओलंपिक्स में हमारे मेडल आ रहे हैं, तो अब की बार भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और अब की बार तो हमारे 7 प्लेयर जा रहे हैं, 7 के 7 बहुत स्ट्रांग हैं, और मुझे लगता है 4 मेडल तो हम 100% लेके आएंगे, बाकी सब अच्छा करेंगे, तो वो भी मेडल टाइम